गुरु अगर कृपा कर दे तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु कृपा ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग है। वैकुंठवास का अगर कोई कोई मार्ग है तो मोक्ष कृपा, अगर गुरु कृपा अगर हो जाए तो फिर आपको वैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है। अब प्रश्न ये उठता है, क्या गुरु हम पर कृपा नहीं करेंगे या करेंगे? वो करेंगे तो कैसे करेंगे हैं? गुरुजी आपके ऊपर आपके कर्मों को देखकर कृपा करेंगे। कंट्री सबको देंगे, कृपा किसी किसी पे करेंगे। ये मूल मंत्र लिख लो। कंट्री ले लिए तो चेला तो बन गए पर प्रिय शिष्य नहीं बने, और प्रिय शिष्य बनने के लिए महत्वपूर्ण है आपका कर्म। कृपा प्राप्त करने के लिए आपको अपने कर्मों में सुधार लाना ही पड़ेगा। कंठी ले जाओ, 10-5 लाख गुरुजी के चरणों में चढ़ा जाओ तो गुरुजी कृपा करेंगे? मुंह पे तो करेंगे, अंदर से नहीं करेंगे, क्योंकि अंदर से पता है ठगिया है। अच्छा है, इसका पैसा लेके थोड़ी अच्छी जगह लगा दे, बढ़िया, लेकिन कृपा नहीं करेंगे। कृपा पैसे से नहीं मिलती है, कृपा तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारे सदुपकार से। तुम अगर तुम चवन्नी भी चढ़ा रहे हो, एक फूल भी चढ़ा रहे हो, तो उस पुष्प में अगर प्रेम है, अगर अश्रु है और हरिस्मरण है, तुम्हारे माथे से गुरु का दिया हुआ तिलक कभी हटा ही नहीं है, कंठी कभी गई नहीं है, मुख पे से गोविंद की याद की हमेशा वार्ता निकलती रहती है, कौन गुरु है जो तुम पर देखकर तुम पर कृपा नहीं कर देगा? कई चेला तो ऐसे हैं जो हमारे सामने आके तिलक लगाते हैं, कई मंत्र जपने में उनका ध्यान ही नहीं होता है, और कई ऐसे हैं कि रात दिन वो भजन करते हुए दिखते हैं, रात दिन। यही मेरे आसपास में भी काफी जो मंदिर में ही रहते हैं, जो यहां की सेवा करते हैं, कई बार बड़ा मन प्रसन्न होता है, उन्होंने आज तक कृपा नहीं मांगी और अपने आप निकल जाती कृपा। और अगर वो यहां सेवा करते हैं तो कहीं के वो धनवान तो नहीं होंगे, मुकेश अंबानी के पिए तो नहीं होंगे वो। तो इस शब्द पे ध्यान दें, बचे हुए शेष जीवन में आप अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करें। और ये मेरा वाक्य नहीं है, बताइए ये जो श्लोक है मैंने लिखा है क्या? मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु कृपा ही मोक्ष का मूल कारण है। जब गुरुदेव कृपा करेंगे तो निश्चित तौर पे हमें भगवान हमें बिल्कुल भी ठुकरा नहीं सकते। अगर गुरुजी हमारी एप्लीकेशन में डाल दें, चाहे गुरुजी को ना बुलाएं पर चेला को तो बुला ही लेंगे, और उसी चेले की एप्लीकेशन जाएगी जो पूर्ण समर्पित है, पूर्ण समर्पण जिसके मन में कूट कूट के भरा हुआ है, क्या गुरुदेव उसकी एप्लीकेशन गोविंद के चरणों में नहीं लगाए? और मैं तो कहता हूँ गुरुजी कहीं वो थोड़ा कपट कर भी दें, या न पता चले उन्हें कि शिष्य कितना समर्पित है, क्या भगवान नहीं देख रहा है? मैं हो सकता है कि भाई आपकी सच्ची श्रद्धा को मैं न समझ पाया हूँ, मैं भी इंसान हूँ, हो सकता है कभी कभी ऐसा हो जाता है, नहीं भी मैं समझ पाया, या कोई गुरुजी के सामने हमारी वो भावना प्रकट नहीं हुई, लेकिन ठाकुर तो तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है, उस भाव के फलस्वरूप तुम्हें अवश्य ही वो प्राप्त होगा जो तुम गुरु कृपा के द्वारा पाना चाहते हो। तो इसलिए या तो गुरु मंत्र लो ही मत, और अगर ले लिया है तो उसे पूर्णतः पालन करो, उस नियम को, उस रूल को जब आप फॉलो करेंगे तो आपको जीवन का जो उद्देश्य है निश्चित तौर पर उसकी प्राप्ति होगी, ऐसा मेरा मानना है।